उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त ने पत्रकारों के समक्ष पिछले साल की उपलब्धियों को विस्तार से बताया, साथ ही कहा कि रामनवमी को देखते हुए विशेष छापामारी अभियान भी चलाया जा रहा है। देखे खबरें हजारीबाग के संवाददाता फजल खान की रिपोर्ट। वर्ष की सर, पिछले वर्ष की उपलब्धि बताएं तो जनवरी 22 से फरवरी 23 तक जेल पकड़ धकर अवैध नजायज कारोबारियों को 40 व्यक्तियों को जेल भेजा गया है, 442 व्यक्ति फरार हैं और 219 केसों को संधानित किया गया है। पूरे वर्ष भर में 702 केसेस पकड़ी गई है और उनमें जब्त प्रदर्श जो है सीजर वो चुलाई शराब 13,943 लीटर है, अवैध जावा महुआ 24,250 किलोग्राम है, अवैध देसी शराब 724 लीटर है, अवैध विदेशी शराब 8,588 लीटर है, अवैध बियर 248 लीटर है और स्प्रिट जिससे शराब का निर्माण किया जाता है वो 1,475 लीटर है। इस दौरान चार पहिया वाहन 8 को पकड़े गए, 3 पहिया वाहन 1 पकड़ा गया और 2 पहिया वाहन 9 जिससे अवैध शराब की ढुलाई का कार्य किया जाता था। और राजस्व उगाही के मामले में आए तो 11 महीनों में आज के तारीख तक 164,50,18,213 रुपये की शराब की बिक्री की जा चुकी है, जो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू 82% होता है और इसे अप्रैल माह का जोड़ दिया जाए तो ये 90% के करीब है। और वर्तमान में दुकान 79 दुकान कार्यरत है। सर, कहा जा सकता है कि कुल मिला के जो वित्तीय वर्ष रहा है पिछले वर्ष का वो कोई घाटा का नहीं रहा, वित्तीय वर्ष ये नीति सफल नीति है और ये कोई घाटा ज्यादा नहीं। पर्व को देखते हुए उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के निर्देश के आलोक में विशेष छापामारी अभियान चलाई जाएगी और बंदी हेतु उपायुक्त के निर्देश के आलोक में बंदी का तिथि निर्धारित किया जाएगा।